ये लक्ष्मी तत्व है। लक्ष्मी तत्व में क्या होता है कि जब वो जागृत होता है तो हमारे जितने संसारिक प्रापंचिक प्रश्न है वो सब छूट जाते हैं। ऐसे छूटते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि ये छूट कैसे गए, सारे प्रश्न अपने आप छूट जाते। लक्ष्मी जी जब आके बस गई तो आपको कैसे, पर उसके बाद में समाधान, उस चीज से मनुष्य को समाधान। और लक्ष्मी जी का भी स्वरूप इतना सुंदर बनाया हुआ है कि लक्ष्मी जी के हाथ में दो कमल है और स्वयं कमल पे खड़ी, माने बिल्कुल हल्की फुल्की, किसी पे उनका रोग नहीं, दाब नहीं, कुछ नहीं, किसी पे शान दिखाना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपने शांत खड़े। और दो हाथ में कमल है, इसका मतलब है वो भी गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग जो है द्योतक है प्रेम का, माने प्रेम से भरी हुई है। और ये लक्ष्मी जी जो है ये आपको वरदान देती है कि जिसके से आपका मकान, इस तरह से वो जैसे एक कमल होता है। अब कमल की क्या विशेषता है कि कमल जो है वो आप देखिए कि एक सुंदर सा फूल है, और चाहे कोई आए, कोई कीटक आए, उसके कितने भी काटे जैसे पैर हो, कुछ हो, उसको स्थान है वहाँ आराम करने के लिए। और रात में वो अपने कमल दल बंद कर लेते हैं जिससे शांति से सो सके। इसी प्रकार आपका भी मकान होना चाहिए, सुंदर हो, सजा हुआ हो, और उसमें कोई आते हैं तो वो आराम से रह सके। ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है हिंदू धर्म की कि हम लोग जो है बाहर से कोई आता है तो उसका बड़ा पाचारण करते हैं, उनको अतिथि को हमारे यहाँ कहते हैं कि अतिथि भगवान होते हैं। ये चीज हमारे अंदर आ जाती है जब हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत होता है और उसका पूरा सरंजाम और सामान जुट जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सी। अब ये तो हुई कमल की बात, और एक हाथ से वो इस तरह से आशीर्वाद देती। आशीर्वाद का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी कुछ आपने प्राप्त किया है वो आप दूसरों को दें, इतना ही नहीं पर आपके आश्रित हैं उनको आप संभालें, उनको आप आशीर्वाद दें। जो आपके आश्रित हैं, आपके नौकर हैं, चाकर हैं, रिश्तेदार हैं, सबको आप आशीर्वादित हैं। और चौथा हाथ जो है वो इस तरह से है, माने आप दानी होना चाहिए, आपको दान करना ही चाहिए, आप सत्पात्र होना चाहिए, देख के करिए दान, ये कबूल बात है, लेकिन दान भी देना चाहिए, ये नहीं कि सारा पैसा आप अपने लिए खर्च करें। तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, पर ये अपने आप हो जाता है, ये कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप घटित हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर लक्ष्मी बहने लग जाती है और आपका मन इसी से तृप्त होता है कि आप दूसरों को दे रहे हैं। अब चित्त अपने से हट के दूसरों पर चला जाता है और इतना आनंददायी होता है चित्त, इतना सुखदायी होता है कि आश्चर्य होता है, आप आनंद में विभोर रहते हैं। अब ये देखिए तो परदेशी लोग यहाँ बहुत आए थे, सिवाय उनको भाषा मेरी समझ नहीं आती, पर तो भी कुछ भी माँ कह रही हो तो भी हमें उसमें मंत्र ही है, माँ जो बोल रही मंत्र ही है, और बैठे रहेंगे। इस तरह के 72 देशों में लोग हो गए, और हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहूँगी कि कलकत्ते में भी हमें तो स्टेडियम लेना पड़ता, पर जब बाहर आए हुए हिंदुस्तानियों को पता नहीं क्या हो जाए, ज़रा कुछ गड़बड़ी है मामला। लेकिन आशा है कि इसके बाद आप लोग सब पार हो जाएंगे और आपकी वजह से और भी लोग हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पार हो जाना, हमारे अपने को जानना। ये जब तक आपने जाना नहीं तब तक आपने जो कुछ भी जाना सुख बेकार है, और तब आप प्रेम के सागर में बहने लगे। तो एक ही अक्षर प्रेम का कहा हुआ है कि जो ने एक अक्षर प्रेम का जान लिया तो उसको और कुछ जानना ही नहीं है, वही चीज घटित होने की है और होना चाहिए। अब फिर मैं कहूंगी कि आपको कुछ सवाल हो तो पूछ ही लीजिए, पर बहुत टाइम मत दीजिए, कुछ टाइम कम है, मुझे भी जाना है आश्रम में, तो आप जो भी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। किसी भाई बहन को कोई विशिष्ट सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं कृपा, कोई ऐसे ऐर गैर सवाल नहीं पूछना, विषय के साथ संलग्न आप पूछ सकते हैं कृपा, खड़े होकर पूछना, अवश्य खड़े हो जाना, या चिट्ठी लिखिए अंग्रेजी या हिंदी में।
अच्छा नहीं तो अंग्रेजी में यहाँ लोग भूल गए होंगे, हिंदी तो कोई अर्थ नहीं। आपने फरमाया था कि हिंदी में बोलेंगे, तो मैं कहा हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में ठीक है। अच्छा अच्छा फिर जागृति ले लीजिए। आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत आसान है, इसको प्राप्त होना बहुत आसान। आप दोनों हाथ में योग मेरी ओर कर गया इस तरह सारा, मैं आपको मुसलमान नहीं बना रहे हूं। ये जो
सब झुका के देखे सब झुका के देखे कि ठंडी या गर्म हवा आपके सर से निकल गई। Thank you.
I'm sorry, it's all because you have to go outside. Thank you.